अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा मुताल चौहान। आप सब जानते हैं कि मैं लायर भी हूँ, LLB में आप लोगों का सीनियर हूँ और कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा। इससे मैंने ये सोचा है कि पहले बात करते हैं कि क्या होगा। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊँगा, उसके बाद में डिटेल्ड आप लोगों के सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि LLB में क्या 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 चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट्स हैं और पास्ट पेपर्स को मद्देनज़र रखते हुए किन किन चैप्टर्स में से आने के चांसेस हैं, ज़्यादा कभी इम्कानात हैं कि फ़लाँ फ़लाँ चैप्टर में से क्वेश्चन लाजमी आएगा, और उन चैप्टर्स को भी कवर करेंगे आहिस्ता आहिस्ता से और उन सब टॉपिक्स को कवर करेंगे। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आज से अगर आप लोग ये चाहते हैं कि LLB की पूरी तैयारी आप लोगों की हो जाए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें। आगे में पूरे लेक्चर्स आने वाले हैं, LLB के तमाम सब्जेक्ट्स जो हैं इम्पॉर्टेंट, जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उन पर तमाम जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके लेक्चर्स डिटेल आने वाले हैं बड़ी अच्छी तरह। और इसलिए मैं ये अब वीडियो बना रहा हूँ ताकि सबसे पहले सिलेबस को डिस्कस किया जाए और उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता से अपने सिलेबस को तैयार करने की जानिब बढ़ेंगे। सबसे पहले तो सब्जेक्ट्स की बात करते हैं कि LLB जो है उसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं। इसमें से टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू फिलॉसफी ऑफ लॉ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपको आगे भी लेके चलेगा। इन सब्जेक्ट्स के जो मकसद हैं, इंट्रोडक्शन टू फिलॉसफी ऑफ लॉ तो आप सबको पता है, ज़ाहिर है लॉ है तो LLB का ये पार्ट वन में एक ही सब्जेक्ट है लॉ से रिलेटेड। जो तमाम जो हर किस्म का लॉ है, आगे आप अलहदा अलहदा जिनकी डिस्कशन करेंगे, तमाम जो कवानीन हैं दुनिया भर के तो हैं लेकिन जो पाकिस्तान के उनके तनाजर में आप लोग पढ़ेंगे, तो इसकी जो सबसे पहला इंट्रोडक्शन है वो इंट्रोडक्शन टू फिलॉसफी ऑफ लॉ है, जिसमें हम ब्रिटिश लॉ और जो हिस्ट्रीज हैं तमाम इन सब को डिस्कस करते हुए तमाम जो फिलासफीज हैं उनको डिस्कस करेंगे, लॉ की जो थ्योरीज हैं इन सब को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो इसके बाद आता है आप लोगों का सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी को LLB पार्ट वन में ऐड करने का मकसद ये है कि आप लोग को पता है कि एक जो वकील होता है उसे सोशल होना पड़ता है, सोशल नाम तो से आने चाहिए। सोशियोलॉजी भी इसी तरह की एक सोशल साइंस है जो आपको सोशलिटी के बारे में सिखाती है, आप लोगों को सोशल करती है, सोशल नाम सिखाती है, सोसाइटी से किस तरह से बिहेव होना चाहिए, सोसाइटी में क्या हो रहा है, क्या बुराइयाँ हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, ये सब आप पढ़ेंगे सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट में। इसके बाद आता है पॉलिटिकल साइंस, जिसमें आप हुकूमती स्ट्रक्चर, स्टेट और जो पॉलिटिक्स है और इस बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक वकील का एक मेन है सबक है कि इंट्रोडक्शन टू फिलॉसफी ऑफ लॉ, उसके बाद सोशियोलॉजी, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, ये तो इन दो हो गए टेक्निकल सब्जेक्ट्स। उसके बाद 3 सब्जेक्ट्स हैं जो आप बचपन से पढ़ते आते हैं। अरेबिक तो आप 8th तक पढ़ी होगी आप सब ने, मैंने भी पढ़ी थी। इसी तरह अरेबिक है और इस्लामियात है। अरेबिक का इसलिए ज़रूरी है कि एक वकील को इस्लामिक जो है वो भी नज़रियात पेश करने पड़ते हैं, इस्लामिक कुरान और हदीस की सूरत में अपने दलायल देने पड़ते हैं, तो उस तनाजर में अपने दलायल के लिए इन्होंने अरेबिक को ऐड किया ताकि अरेबिक को एज़ अ लैंग्वेज, ज़ुबान के तौर पे हम थोड़ा बहुत समझें और थोड़ा सीखने की कोशिश करें। तो वो तो खैर मैं नहीं करा रहा, उसके साथ साथ हम इस्लामियात है जो आप लोग पढ़ेंगे वो भी मैं नहीं करा रहा, क्योंकि मैंने सिर्फ टेक्निकल सब्जेक्ट्स कवर कराने हैं अपने चैनल पे, क्योंकि मैं एक सहाफ़ी भी हूँ और उस तनाजर में भी एक कानून एज़ा कानून दान मुझे आगाही फैलाना भी मेरा फ़र्ज़ है, और जो स्टूडेंट्स हैं उनके हवाले से ख़ास तौर पर मैं ये ला रहा हूँ, सिलेबस को कवर करूँगा, उस तरह से बातें नहीं करूँगा, सिर्फ कानून की सिलेबस को कवर करूँगा। सिलेबस कवर करना मेरा मकसद है LLB का, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 सबको ऐसा ऐसा लेके चलूँगा। और एक सब्जेक्ट हमारा रह गया इंग्लिश है, इंग्लिश को भी हम डिस्कस करेंगे।
बल्कि हम नहीं डिस्कस करेंगे, इंग्लिश को आप लोग पढ़ेंगे। इंग्लिश भी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और इंग्लिश तो हमारा मेन सब्जेक्ट है, मतलब पाकिस्तान के अंदर बना दिया गया, होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, उर्दू को होना चाहिए, लेकिन आप क्या करें, गुलाम कौम है, इंग्लिश तो पढ़नी है। तो इंग्लिश आप लोग पढ़ेंगे, इंग्लिश को आप डिस्कस करेंगे। आप बात कर लेते हैं कि किस सब्जेक्ट के क्या कौन कौन से टॉपिक्स पास पेपर्स के हवाले से इम्पॉर्टेंट हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट्स जो जिनमें इंट्रोडक्शन टू फिलासफी ऑफ लॉ, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी, इनको डिस्कस करते हैं कि इनके सिलेबस को डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सा सिलेबस इम्पॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है और कौन कौन से चैप्टर्स हम कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन टू फिलासफी ऑफ लॉ से शुरू करते हैं कि इंट्रोडक्शन टू फिलासफी ऑफ लॉ में आप कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले तो आप पढ़ेंगे कि कानून क्या है, व्हाट इज़ लॉ। व्हाट इज़ लॉ हमारा पहला क्वेश्चन होगा जो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ लॉ, आप पूरी हिस्ट्री को पढ़ेंगे, अमेरिकन लॉ, ग्रीक लॉ, रोमन लॉ, मैग्ना कार्टा, ब्रिटिश लॉ, ये जो हिस्ट्रीज है, कैसे कानून शुरू हुआ, फलां सदी में इस तरह से कानून आया, फिर ये आया, फिर वो आया, हम्मुरबी का, इस तरह से बहुत से जो कवानीन है वो हम उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे कि कानून कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से आया, कितना पुराना ये एक है, कानून का वतीरा है, मतलब कौमों का वतीरा है कि अपने कवानीन बना के अपना काम करती हैं। ये कवानीन का जो एक तर्ज ज़िंदगी है ये कब से शुरू हुआ, ये हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ लॉ होगा। और उसके साथ साथ कुछ थियरीज हैं जैसे प्योर थियरी ऑफ लॉ, इसके साथ साथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, ऑस्टिन की थ्योरी है, पॉजिटिव लॉ है, उसके साथ साथ बहुत से और भी चैप्टर्स हैं जिसमें क्रिमिनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ और सिविल लॉ, इस तरह के हम बहुत से जो हमारे चैप्टर्स हैं वो हम डिस्कस करने की और कवर करने की कोशिश करेंगे इंट्रोडक्शन टू फिलासफी ऑफ लॉ में। तो अब बात करते हैं हम सोशियोलॉजी की, कि सोशियोलॉजी में क्या 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 इम्पॉर्टेंट है और क्या इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स आने वाले हैं और क्या क्या चैप्टर्स हम कवर करेंगे अपने इस चैनल पर। सोशियोलॉजी में सबसे पहले आता है व्हाट इज़ सोशियोलॉजी। आप सबको पता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है, ये तो पता ही होना चाहिए और क्वेश्चन आता भी है व्हाट इज़ सोशियोलॉजी, और इसके मुतालिक जो क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में वो उसमें से कुछ क्वेश्चन आने के इम्कान होते हैं। उसके बाद सोशलाइजेशन, के सोशलाइजेशन क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे, वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। सोशलाइजेशन का चैप्टर क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत से और चैप्टर जिसमें कल्चर आता है, स्ट्रेटिफिकेशन आता है और जो सोशल नॉर्म्स हैं वो आते हैं और बहुत से और भी चैप्टर्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट के अंदर। कुछ थेरीज हैं, कुछ इस तरह से और भी सब हेडिंग हैं जिनमें से प्रॉपर एक क्वेश्चन आता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। आप जुड़े रहें, इंशाल्लाह लॉ की पूरी तैयारी होगी आप लोगों की। और उसके बाद हमारा आ जाता है पॉलिटिकल साइंस, जो कि एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस, आप लोगों को पता है, ये तो हर सब्जेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, व्हाट इज़ लॉ, व्हाट इज़ सोशियोलॉजी, व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस, ये हर सब्जेक्ट में ये सबसे पहले कवर होने वाली चीज़ है। आप लोग भी करेंगे, आप लोगों को मैं कराऊँगा इंशाल्लाह। और उसके बाद जो बहुत इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस का, अप्रोच टू पॉलिटिकल साइंस, इसमें बहुत सी अप्रोचेज हैं, बिहेवियरल अप्रोच, साइंटिफिक अप्रोच, इसके बाद बहुत सी अप्रोचेज हैं, ये सारी अप्रोचेज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस की, के फलां चीज़ को पॉलिटिकल साइंस कैसे अप्रोच करता है। इसके बाद पॉलिटिकल साइंस में जो आता है स्टेट, बड़ा अहम चैप्टर है, लाजमी स्टेट के हवाले से क्वेश्चन आता है, बहुत से पास पेपर्स में भी देखा गया है और लाजमी ये आने के इम्कान होते हैं। अब किसी भी चीज़ का जो मैक्सिमम इम्कान है वो इंसानी जो ख्याल है उसके मुताबिक 80% हो सकता है, और मैं जो आपको आप लोगों को ये टॉपिक्स बता रहा हूँ उनमें 80% आने का चांस है, 80% वो टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं। बाकी कभी कभी यूनिवर्सिटी जो है वो आप लोग बाकी भी तैयार करेंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा।
इसके बाद स्टेट आता है, एंड्स एंड फंक्शंस ऑफ द स्टेट। ये बड़ा एक अहम चैप्टर है, ये आप लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आप लोगों का गवर्नमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट जो है, ये बड़ा एक अहम चैप्टर है, दो तीन चैप्टर्स हैं, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इनमें से भी लाजमी पेपर में कुछ ना कुछ आता है गवर्नमेंट के चैप्टर में से। इसके बाद पब्लिक ओपिनियन बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ का चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स और बहुत से चैप्टर्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। बल्कि पॉलिटिकल साइंस में तो सभी चैप्टर्स में से आते हुए मैंने देखा है पास पेपर्स में। तो ये सब हम भी डिस्कस करेंगे, आप लोग भी अपने तौर पर तैयारी करें तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी सी तैयारी हो जाएगी। इंशाल्लाह आज से ही मैं शुरू कर रहा हूँ लेक्चर देना। तो जो LLB का है, पार्ट वन का इंट्रोडक्शन टू फिलासफी ऑफ लॉ से हम शुरू करेंगे। तो पहला लेक्चर इंशाल्लाह अब आएगा आज, और फिर इंशाल्लाह गाना लेक्चर आते रहेंगे, और आप लोग भी जुड़े रहें और तैयारी करते रहें और मज़ीद तैयारी करें ताकि आप लोग के लिए कुछ अच्छा हो सके। आप लोग इंशाल्लाह एक दिन वकील बने और अच्छा आप लोग सोसाइटी को डिलीवर करें और पाकिस्तान की भलाई के लिए, फलाह के लिए काम करें। इसी उम्मीद के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।